और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को ही परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTE को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा इससे प्रभावित हुई है। आपको बता दें ऐसे में NTE से जवाब लेना बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यहाँ पर कह दी है। सवाल उठ रहे थे कि नीट कितनी क्लीन, हम नीट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई तो क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। नोटिस जारी किया जाएगा, कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है इससे और ऐसे में NTE से जवाब लेना तो बनता है। तो जवाब लिया जाएगा, परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है उसको लेकर, नीट परीक्षा को लेकर लगातार धांधली के आरोप लग रहे थे, स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि नीट की परीक्षा है वो दोबारा कराई जानी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच होनी चाहिए और इसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लगातार पेपर में इस तरीके से स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता आया है और आपने देखा कि नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक लाने वाले कई ऐसे विद्यार्थी थे जिसके बारे में ये भी कहा गया था कि क्या ये लोग एक ही कमरे में एक ही के आसपास बैठे थे, इनके नंबर सेम कैसे हो सकते हैं और इतने बड़े पैमाने में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के एक जैसे अंक कैसे आ सकते हैं। नीट के मामले में, अब नीट पेपर के मामले में जैसे कि काउंसलिंग भी हुई और फिलहाल 8 जुलाई को फिर से सुनवाई की जाएगी। जो पेपर जब आयोजित किया गया उसकी तुरंत बाद दायर की गई थी और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने NTE को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था, तब भी कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब रिजल्ट आने के बाद ग्रेस मार्क और तमाम प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए जो नई याचिका दायर की गई है, उम्मीद ये है कि उन पर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हो सकती है जल्दी सुनवाई के लिए। तो देखिए जल्द इस मामले में सुनवाई भी हो सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTE को नोटिस जारी किया गया है और जवाब लेने की अब बारी है क्योंकि परीक्षा की गरिमा इससे प्रभावित हुई। बता दें आपको जब से पूरा मामला सामने आया है तब से लगातार ताबड़तोड़ याचिकाएं दायर की जा रही थी नीट कैंसिल व री एग्जाम पर। सुप्रीम कोर्ट अर्जेंटली हियरिंग करे इस पूरे मामले को लेकर, इस पर लगातार याचिका दायर की जा रही थी और 8 जुलाई को फिर होगी इस पूरे मामले की सुनवाई। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसी से जुड़ी ये खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। प्रदेश में स्टूडेंट कोचिंग डायरेक्टर, स्टूडेंट टीचर्स, छात्र संघ सभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटा रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष संसद में नीट का मुद्दा उठाने की बात तक कर रहा है।